अब आप लोग इसे पास में से भी देख सकते हो कि कैसी दिख रही है। ये हम लोग यहाँ ये थोड़ा सा देसी मछलियाँ होती हैं। हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में जानते हैं, जैसे सभी वीडियो में फिशेज रिलेटेड ही जानकारी देता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को चाहे पूरा देखो चाहे आधा देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज और एक्चुअल में मैंने थंबनेल और टाइटल में तो लिखा ही रहता हूँ कि किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ है, उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो देता हूँ, कोई और तो देता नहीं हूँ। फिर आप लोग की स्वेच्छा, आप लोगों की इच्छा कि आप लोग मेरे वीडियो को कितना प्यार देते हो, कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर एक ब्यूटीफुल फिशेस और जितनी भी फिशेस होती हैं उनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी लाने की कोशिश, देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो सिर्फ स्पेशली नियॉन टेट्रा फिश के ऊपर था, और जो मेरा आज का वीडियो है वो है सिल्वर डॉलर फिश के ऊपर। ये मोस्ट पॉपुलर फिशेस में से एक हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली मछलियों में से एक होती है। तो आप लोग जो मेरे पीछे टैंक देख रहे हैं, एक्चुअली में नेचर टैंक है। इस टैंक में सिल्वर डॉलर फिश नहीं है, सिल्वर डॉलर वाली फिश वाला टैंक अलग है। उसके बारे में बहुत खास खास चीज़ें, बहुत स्पेशल चीज़ें अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, और मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहेंगे। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। आप लोग कमेंट करके बस इतना बताना कि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना, बाकी सब कुछ सुरक्षित तो है ना सब लोग, क्योंकि हर जगह के माहौल, हर जगह का स्थिति अलग अलग चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप लोग टैंक देख रहे हो, ये टैंक है मेरा। इस टैंक में मैंने फिशेस रखी हुई हैं, मैं कई तरह की फिशेस आप लोग देख रहे होगे, सुभांकिन है और ये कॉर्प्स वगैरह हैं, और ये आप लोग अब देख सकते हो कि क्लियर दिख रहा होगा, सुभांकिन है, कॉर्प हैं, कुछ गुरामीज भी पड़ी हुई हैं, स्पॉटेड गुरामी है, थ्री स्पॉटेड गुरामी बोलते हैं, सकते हो अच्छे तरीके से। अब मैं इसी में आप लोगों को दिखाना वाला हूँ सिल्वर डॉलर फिश, जिसके बारे में पूरी वीडियो बनने जा रही है, और इस फिश की आज कहानी और असलियत सामने आने वाली है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये किस टैंक के साथ में रहेगी, कौन से टैंक में रहेगी, क्या खाएगी, कितनी बड़ी होगी, कितने लीटर पानी में रहेगी, कौन सी मछली के साथ में रहेगी, इसकी उम्र क्या है, इसके बच्चे कैसे होंगे, अंडे देती है, बच्चे देती है, सभी सवालों के जवाब, कितना टम्परेचर चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत करने के साथ साथ में ही बता देता हूँ कि जो फिश है इसका, इसकी डिज़ाइन और इसकी शेप के हिसाब से, जो इसका गोल सा शेप होता है और सिल्वर कलर की होती है, इसके लिए इसे क्वाइन फिश और या तो डॉलर फिश कहा जाता है, और सिल्वर होने की वजह से सिल्वर डॉलर फिश कहा जाता है। आप लोग देख के समझ सकते हो। और ये स्पेशली साउथ अमेरिका से आती है, अमेजोन की नदी से, जहाँ पे बहुत सारी चिकलेट फिशेस आती हैं। और इस फिश की जो फैमिली होती है, ये पिराना हो गई, पाकू हो गई, इसी से बिलोंग करती है, उसी से ही मिलती जुलती फिश होती है। और ये थोड़ा थोड़ा आपकी टिन फाइल बार वगैरह फिश ऐसे दिखती हैं, जैसे आपका टिन फाइल बार हो गया लंबा होता है, लेकिन उसके फिन में रेड टाइप का होता है। ये गोल है बट इसका भी फिन थोड़ा सा रेड है, पीछे वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो ख़ास बात यह है कि थोड़ा सा पेसफुल है, अगर इसी के साइज़ की फिशेस इसके टैंक में हैं तो, जैसे कि आप लोग इसे भी देख सकते हो कि ये मेरे पास छोटी छोटी आई हुई थी, मैं इसका वीडियो बनाया था एक बार अनबॉक्सिंग का, जो शायद लास्ट टाइम पे फिशेस का, उसी में आई हुई थी। और आज मेरे पास ये इसकी साइज़ थोड़ा सा करीब एक इंच प्लस ही है, डेढ़ इंच है, और इसकी कीमत नॉर्मल फ्रेश वाटर की फिशेस से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। वैसे जिन फिशेस की कीमत ज़्यादा होती है उनका जो मोस्टली रीज़न होता है मेरे आकलन के हिसाब से, जिनकी ब्रीडिंग डिफ़िकल्ट होती है और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट जगह से आती हैं, जिनकी ट्रांसपोर्टिंग और ब्रीडिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती है, उन फिशेस की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि साइज़ की सिल्वर डॉलर की फिस 150 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक की होती है, और अगर इन्हीं की बेबीज़ मिल जाते हैं तो 80 रुपीज़ इंच के होते हैं, वो करीब आधा इंच के होते हैं। इनको आप लोग अगर बड़ी साइज़ की, और इसी साइज़ की ऑस्कर फिशेस हो गई, चिकलेट फिशेस हो गई, तो उसके साथ में भी आप इसे अच्छे से रख सकते हो। और अगर आप लोग इसे रखना चाहते हैं जैसे सुभांकिन है, कॉर्प है, तो उनके साथ मैं रखने का सजेशन नहीं दूंगा, भले अब आप लोग कमेंट करोगे और बताओगे मुझे कि मैं खुद रखा हुआ। एक्चुअल में जो सीज़न चल रहा है ना, गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इस टेम्परेचर में क्या होता है कि पानी और जो फिशेस होती हैं वो गर्म रहती हैं, तो और ये जो सिल्वर डॉलर फिश होती है, अमेजोन की जो नदी की जो फिशेस होती हैं ना, सभी की सभी गर्म पानी की फिश होती हैं, साउथ अमेरिका की जो भी फिशेस होती हैं। और जो गोल्ड फिशेस वगैरह होंगी, सुभांकिन होंगी, कॉर्प हो गई, ये सभी की सभी ठंडे पानी की फिशेस होती हैं, तो उनके साथ में टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम होगी। और जब सिल्वर डॉलर फिश बड़ी होती है ना, तो इसके टीथ वगैरह भी निकलते हैं,
दांत ये फिन वगैरह फ्रंट टेल फिश वगैरह को बाइट कर सकती है। अब रही बात आपकी जो छोटी फिशेस होती हैं गप्पीज वगैरह मॉलीज वगैरह नियॉन टेट्रा या प्लांटेड टैंक, उनमें क्या रखा जाता है? अगर आपके पास हार्डी प्लांट्स हैं जिनको ये निब नहीं करेगी, जैसे अमेजोन प्लांट्स होते हैं लाइव प्लांट्स में, आप उसके साथ नीचे रख सकते हो एक बार उस प्लांट्स के साथ में। बट उसके साथ में अगर आप टेट्रा फिशेस रखना चाहते हैं इसके साथ में, छोटी छोटी जैसे गप्पीज हो गई, मॉलीज हो गई, जेब्राज हो गई, डेनियोज हो गई, तो इनकी बेबीज़ भी खा सकती है। बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ी तो है, ये बड़ी मछली जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि छोटी मछली को खा ही लेती है, तो ये खा ही सकती है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप लोग इसे रखना, इसकी साइज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। जैसे आप छोटी रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि देखते ही देखते आपकी वो फिश कब बड़ी हो जाएगी। ये मेरी फिश काफ़ी छोटी थी, देखते ही देखते साइज़ इसकी अच्छी खासी हो गई है और अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से, फिर भी अभी तो ये पेसफुल तरीके से रह रही, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे अपनी फैमिलियर के ग्रुप में आने लगेगी, जैसे कि पिराना पाकू वगैरह होती हैं, और दूसरे फिशेस को काटने की कोशिश या निप करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देगी। इसको आप लोग चिक्चेल्ड फिशेस कोई भी हो जो इसकी साइज़ के मेट्स हों, जैसे अभी छोटी थी तभी मैं इस टैंक में रखा हुआ था, जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो मैं इसे निकाल के चिक्लेट फिश के टैंक में, टिन फाइल वार या फायर माउथ के टैंक में डाल दूंगा, उनके साथ में काफ़ी अच्छे से रहेगी। बट ये आप लोगों को शिफ्टिंग करने का थोड़ा सिस्टम राहत रखना पड़ेगा कि ये कैसे फिशेस को एक दूसरे से मिलवाया जाता है और रखा जाता है। बस ये नहीं कि बस यहाँ से निकाले और वहाँ पे डाल दिए और आपस में लड़के एक दूसरे को काट लें या भूखी हो तो एक दूसरे को खाना समझ के खा लें। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को परहेज करना पड़ेगा और तरीके से सिस्टम से रखना पड़ता है। इसकी फीडिंग के लिए मैं बताऊं, आप लोग इसे लाइव फूड्स वार्म्स वगैरह ब्लड वार्म श्रिम्प वगैरह भी खिला सकते हैं, और या तो नॉर्मल दाने जैसे ऑप्टियम वगैरह के आते हैं वो भी खिला सकते हैं। मैं इसे फिलहाल ऑप्टियम ही खिलाता हूं, अपना कॉमन वाला ऑप्टियम 3 in 1, या तो ऑप्टियम पिंक गोल्ड भी खिला सकते हो आप लोग, कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं करती खाने वगैरह में, नखरा नहीं करते कुल मिला के। फीडिंग वगैरह काफ़ी ईजी लेती है, टेम्परेचर इसके 28 degrees तक होना चाहिए। और इसका ब्रीडिंग का सिस्टम होता है वो ये बच्चे नहीं देती, ऐसे मॉलीज और गप्पीज देती हैं आपके, ये अंडे देती है डायरेक्ट, और एक बार में करीब 2000 तक अंडे देती हैं। और सबसे ख़ास बात इसकी है कि आप किसी भी बड़ी मछली के साथ में इसे रख सकते हो सिवाय गोल्ड वगैरह को छोड़ के, और छोटी मछली किसी के साथ में भी मैं रखने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा आप लोगों को। इसकी जो साइज़ होती है, इसकी साइज़ लगभग 6 inches तक बढ़ सकती है। 6 inches मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समझ सकते हो कि लगभग इतना इस फिल्टर के बराबर, मतलब जैसे ऑस्कर पिराना पाकू वगैरह हो जाते हैं वैसे ही बड़ी सी ये भी हो सकती है आपकी। अब आप लोग सोच लो इतनी छोटी सी मछली कितनी बड़ी हो जाएगी और तो कैसी लगेगी। मैं आप लोगों को इसका टैंक्स मीट्स की फिशेस दिखाता हूँ कि किन फिशेस के साथ में से रखना एकदम सही रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरी टिन फाइल वार वगैरह फायर माउथ वगैरह हैं, इनके साथ में अगर आप इसको रखते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। अब उसका टैंक मैं अभी ही चेंज ही की देता हूँ आप लोगों के सामने ही, क्योंकि अब उसकी जो एज हो चुकी है वो उस टैंक के हिसाब से उसकी साइज़ जो है वो नहीं है। अब इसको चाहिए एक दूसरा टैंक, लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की है इसके लिए भी। मैं फिर भी इसकी एक्वेरियम की लाइट बंद करूँगा उसको निकालने के लिए भी, और जो पुरानी फिशेस हैं उनको भी थोड़ा सा हाइट प्लेस मिल जाएगा, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके बाद मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को। बट इसको अलग करना अब ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो ऐसे में क्या होता है। अभी मैंने इसे नेट में निकाल लिया है, अब आप लोग इसे पास में से भी देख सकते हो कि कैसी दिख रही है। या हम लोगों के यहाँ की थोड़ा सा देसी मछलियाँ होती हैं, थोड़ा थोड़ा उनके टाइप की भी कुछ कुछ आप लोगों को लग रही होगी, बट ये ऐसी है नहीं देसी। और अब मैं इसे डालता हूँ इस टैंक में, लेकिन इस टैंक में जिसमें मुझे डालना है, जिस टैंक में मुझे डालना है इस टैंक में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टिन फाइल बार पड़ी हुई है। इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले इनको थोड़ा सा पेट भर के खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका खाना आ गया है तो वो भी मछलियों को फिर काटने की कोशिश करने लगती हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसी अच्छी क्वांटिटी में फिश फूड ले आके इनको डाल देता हूँ। अब जैसे ही सब की सब बिज़ी हो जाएंगी खाना खाने में, वैसे ही मैं क्या करूँगा इसको इसमें ऐसे छोड़ दूँगा। अभी मैं लाइट जलाता हूँ, देखें सब की सब मछलियाँ खाना खाने में बिज़ी हो गई हैं आप लोग देख सकते हो। अभी इसी का फ़ायदा उठाते हुए मौके का मैं लाइट चालू कर देता हूँ यहाँ की। अब आप लोग देख सकते हो कि सबकी सब मछलियाँ खो गई हैं खाना खाने में, इसी के बीच में इनके साथ में एक नया इनका मेंबर भी ऐड हो गया और इनको पता भी नहीं चला है। कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी काम करना होता है। अब ये फिश भी काफ़ी हैप्पी दिख रही है इस टैंक में आने के बाद में, अचानक उसका भी
लग रहा है कि मैं कहाँ से आ गई हूँ, लेकिन इतना जल्दी लाइट चालू भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1-2 घंटे या 1 दिन आधे दिन फ़िश ऐड करने के पहले भी बंद कर देनी चाहिए और फ़िश डालने के बाद भी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये सब एक ही फैमिली की हैं और आप लोग इसमें इस फिश का व्यू भी अच्छे से ले पा रहे होंगे, सिल्वर डॉलर फिश का। इस टैंक में एक्चुअल में लॉकडाउन में थोड़ा सा केयर कम हो पाती है एक्वेरियम की, तो फिश एक्वेरियम का फ़िश टैंक का ग्लास भी थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो में क्वालिटी में थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ आप लोगों को वीडियो में कि क्वालिटी में कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो देख भी सक रहे हो फायर माउथ की साइज़ के लगभग ये भी हो चुकी है, लेकिन इसकी साइज़ जो होती है फायर माउथ और लगभग से भी बड़ी होती है। फायर माउथ वगैरह की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बट टिन फाइल बार की साइज़ इसकी जितनी जाएगी इतनी इस डॉलर की है, आप लोग देख सकते हो। इस फिश की एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप लोगों के पिराना और पाकू फिश के दांत होते हैं वो बाइट कर देती हैं, वैसे डॉलर फिश भी जब बड़ी होने लगती है तो इसके भी दांत आने लगते हैं, वो भी बाइट कर सकती है। इसके आप भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा आपकी किसी मछली को ना कर दे और या बहुत बड़ी हो जाए और कोई बच्चे लोग, और उसमें कई सारी पाकू फिश वो सॉरी इसमें कई सारी डॉलर फिश डाली हुई, उसमें कोई बच्चा वगैरह हाथ वाथ डालते तो सभी सब मिल के एक साथ उसके दांत हाथ वगैरह कुतुर ना दें, इस चीज़ का भी उसे ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को कुछ जानकारी और चाहिए होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मेरे चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे